चालीसों जिलों के लेके रहेंगे, लेके रहेंगे हमारी एकता। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो मजबूत उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के तत्वावधान में आज प्रांतीय आह्वान पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के तत्वावधान में हो रहे धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राकेश कुमार एवं संचालन जनपद सचिव इंजीनियर प्रवीण कुमार द्वारा किया गया। धरना कार्यक्रम में प्रांतीय पर्यवेक्षक के रूप में मंडल अध्यक्ष इंजीनियर वीके मौर्य, मंडल सचिव इंजीनियर मनोज कुमार उपस्थित रहे। धरने में मुख्य रूप से तीन मांगों को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिसमें वेतन ग्रेड को बढ़ाने की मांग की गई, साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात कही गई। धरने के पश्चात डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। अधिक जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के जनपद अध्यक्ष इंजीनियर राकेश कुमार ने बताया कि राकेश कुमार जी क्या मांगे हैं आपकी? क्या हमारी मांगे हैं? प्रमुख मांगे हमारी, हमारा ग्रेड पे प्रारंभिक ग्रेड पे 4800 हो, और इसके लिए जो है एक बार पहले भी संघर्ष हम कर चुके हैं। एक सरकार ने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी ने उसकी संस्तुति भी करी थी, मगर उस पर अब तक शासनादेश नहीं हुआ, सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और इस बार हम बिल्कुल मन बनाए हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। प्रांत से हमें निर्देश, आज तो हमारा एक दिन का ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है, 3 बजे ज्ञापन देंगे। ज्ञापन किसे देंगे? मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे। उसके बाद अगला प्रोग्राम हमारा है 23 तारीख को, 23 तारीख में हम मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो फिर 8 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम है लखनऊ में, एक दिवसीय धरना लखनऊ में देंगे। और उसके बाद वही जो हमारी बैठक होगी, उस बैठक में जैसा भी निर्णय होगा आगे कार्य जो भी रणनीति तैयार होगी उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन इस बार डिप्लोमा इंजीनियर बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में है, और हम 4800 की लड़ाई को बिल्कुल आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हैं, और इसे हम छोड़ेंगे नहीं, यही हमारा अधिकार है और इसे हम देख रहे हैं। दूसरी मांग हमारी है पेंशन। जब नेताओं की पेंशन है, एक दिन का विधायक हो उसकी पेंशन है, हम तो 30 साल 35 साल नौकरी करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी देते हैं, हमारी पेंशन नहीं है, ये हमारे साथ अन्याय है। तो दूसरी मांग हमारी पेंशन है, पेंशन की लड़ाई और संगठन भी लड़ना है, उनके साथ मिलकर हम भी लड़ना है। और एक तीसरी मांग हमारी है, हमारे कुछ साथी नियुक्त हुए थे 2017 में जल निगम में, ये सरकार जब आई थी इन्होंने ये कह करके कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है वो नियुक्तियाँ शून्य कर दी, और रातों रात एक आदेश निकाला और जितने भी जेई थे हमारे साथी सबको घर बैठा दिया। भाई हमने तो एग्जाम पास करा है, हमें क्या गलती है, तो वो नियुक्तियाँ बहाल करी जाएँ, हमें उन्हें नियुक्तियाँ दी जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और इसके अलावा भी कई मांगे हैं, जैसे 714 पे हमें जो है ACP दी जाए, हमें 100% हमारी प्रोन्नति दी जाए। ठीक है, मुख्य मांग हमारी 48।